जवाब लेते सभी लोग शांत हो जाओ।
व्यक्तियों से इस काम के लिए आई और इनसे कौन सा काम कराया जाएगा, इनका कैसा इतिहास बनेगा, किस देश में लोग इनकी पूजा करेंगे, तो बात तो समस्या क्यों होगी। और भी मान लिया जो तो इधर उधर बैठकर इसी मीटिंग करते मुझे सब बात हुआ। अभी मैं केवल इशारा करता हूं कि हमारे चेगुटे मिशन में कोई दूसरा मिशन शामिल नहीं होगा। अगर तुम आ गए क्योंकि मेरे पास परमिशन है, मैं बिना परमिशन के कार्यक्रम नहीं करता हूं, और तुम भी कोई परमिशन लो और इस तरीके से समाज इकट्ठा करो और जो तुम्हें कहना हो कहो, लेकिन इस मिशन में कुछ नहीं। अभी तो मैं आपको इशारा करता हूं, फिर एक फोन करूंगा और तुम्हारी तो तलाश पुलिस वैसे भी कर रही है, पुलिस तुम्हारी तलाश में है। यह स्वाधीन भारत, जितने स्वाधीन भारत का नाम जो दिया, दोनों गरिमा खत्म बैठी, स्वाधीन भारत का मतलब क्या जानते ही नहीं है। अब इन्होंने जो काम किया उसकी सजा मिल गई और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये फिर मारे जाए। अभी मैं आपसे इतना सम्मान के साथ कहता हूं, अगर किसी हमारे इस कार्यक्रम में आओगे तो इतनी पिटाई करवाऊंगा तो जीवन मर्याद करो, क्योंकि तुम इस मिशन को बदनाम करने आ रहे, तुम्हारा तो बदनाम हो गया, कलंकित हो गया और सजा मिल रही इधर भी उधर भी, वो दोजक नरकों में सर रही की बात है। सबसे बड़ा विरोधी जयगुरु मिशन का स्वाधीन भाव, जिसने बाबा जी के सैकड़ों प्रेमियों का कार्य हो रहा था, फकीरी भेद जो तपस्या के लिए पढ़ा कहा था बच्चा मैं काट की पूजा करूंगा, काट का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन तुम टाट भर के तपस्या तो करो। इन लोगों ने स्वास्थ्य करो तमाम प्रेमियों को टाट हो रहा था, यानी भजन करना बंद करा दिया, जय गुरु प्रभु का नाम लेना बंद करा दिया। ये तो रावण का बाप निकला और इसी ने उससे ज्यादा इसकी खराब दशा हुई, सब मार काट के जला दिया गया और जितने जाए फूके गए सब बेचारे नरकों में चले गए, प्रेत योनियों में जितना जीवन मानव जीवन का खेत बाकी है उतने दिन प्रेत आत्माओं में रहेंगे, और इसके बाद जो गुरु का अपमान किया है इसकी सजा तो आप बहुत होगी, तुम हजारों वर्ष तक निकल नहीं पाओगे। इसलिए अभी प्रेम प्यार मोहम्मद से समझा रहा हूं, हमारे इस कार्यक्रम में कभी आने की कोशिश मत करना और कोई झंडा कोई बैनर कोई अच्छे पट्टे पमले या कोई बाटेगा नहीं, मेरे पास परमिशन है, मैं पुलिस के पास सूचना भेजूँ, उठाकर बंद कर दिया जाओगे। धर्म में जो बाधा उत्पन्न करता है वो उग्रवादी माना जाता है और उग्रवादी भी कभी जमानत पर आजीवन के दोषी उसको। ये मैंने ध्यान से सुन ही थी, जो तुम ये कर रहे हो मैं सब देख रहा हूं, आप आना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर आते हो तो सत्संग सुनो, भंडारे में भोजन करो, अपना लाभ आप करो, मैं मना थोड़ी करता हूं, लेकिन कोई ये गुरु मिशन को बदनाम करना चाहता क्योंकि अभी ये छिपने की कोशिश, ये तुम्हारे बड़े समारोह में छिपने की कोशिश करते हैं, इसमें छिप जाएंगे और धीरे से प्रेमियों को गुमराह करेंगे और ये वसूली करेंगे, तुमको ये नहीं मालूम है ये धर्म गुरु का है और गुरु का धर्म कोई हजम नहीं कर सकता। मैंने सत्संगी की कमाई के नौनों अंगुल था और भजन कहे तुम बने नहीं तुम्हारा, ये जितने आते हैं इन्होंने तो अपने से बिगाड़ दिया, उसके कहने पर कि सोने का सिक्का आएगा और ये मिल जाएगा और इतना सोना और ऐसा, अरे वो तो सतयुग की बात है, सतयुग में कहा गया था 30-35 में सोना भी बिक जाएगा, गरीबों की स्त्रियों की चूड़ी में हीरे जड़े में ऐसा सुगम आ जाएगा, ये कह रहे आ गया और सब मारे गए, ऐसे मारे गए एकदम पेट्रोल डाल के जला के बाहर कर दिए गए, सब प्रेस योनियों में सजा होते हैं, क्या तुम भी उसकी योनी की तैयारी कर रहे हो,
मैं बार बार मना करता हूँ, अगर कोई इस तरह की जब हम मना करते हैं कि हम एक पैसे की सेवा नहीं लेते, फिर तुम सेवा निकाल देते, वहां से काम हो जाएगा तुम्हारा। जो अपना काम नहीं कर सका वो तुम्हारा क्या काम करेगा। धर्म का विरोधी कभी जीने के लिए धर्म नहीं छोड़ा। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, जनजन की जवान पर जब जयपुर देव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जयपुर देव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। और ये सब मिट गए जिन्होंने जयपुर देव नाम मिटाया। आप इस इतिहास को ध्यान में रखिए, अगर आए हो तो चुपचाप सत्संग सुनिए, कोई कार्रवाई अगर चला सकते। अभी तो मैं शांतिपूर्वक से चल रहा हूँ, इतने लोग हैं एक एक चप्पल पड़ेगी तुम्हारे कसूर नहीं देगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जो शास्त्रों का नियम, आचार संहिता का जो नियम है, बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। तो आप परमिशन लीजिए, अपनी सभा लगाओ और लोगों को खून लुटाओ, हमारा उसका कोई मतलब नहीं। आप ये सुन लो, हमारा पुलिस प्रशासन भी बैठा है, हमारा इस स्वर्गीय भारत से कोई संबंध नहीं, ये बिल्कुल एकदम निरर्थक है, निराधार है, बेबुनियादी है और ये सब नास्तिक है। ऐसे लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है और ना हमारा कोई सत्संगी प्रेमी इनसे संबंध रखेगा। अगर आप रखे हो तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। बाद में हमारे पास मोबाइल पर मैं पहले इशारा किया कि जहां कहीं तुमको सत्संग में मिल जाए फौरन इनकी पिटाई करो। अब यह समझाने से मानने वाले नहीं, फौरन इनकी पिटाई करो। और एक तो यहां से भगा दूंगी, दिखाई नहीं दे सत्संग, अगर दिखाई दे तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं बहुत सीधा हूं और बहुत कटु हूं, ये सीधी बात समझ लो। पहले प्रार्थना करता हूं, समझाता बुझाता हूं, हर तरफ से प्रमाण आपको देता हूं। जब नहीं मानोगे तो चार नीतियां धर्म में, काम दाम भेद और दंड। पहले समझाता हूं, लाभ के लिए तुमको लाभ मिल जाएगा, फिर जिसने रावण नहीं माना उसकी क्या दशा हुई, कुंभकर्ण नहीं माना उसकी क्या दशा हुई, हिरण्यकश्यप नहीं माना उसकी क्या दशा हुई, कंस नहीं माना उसकी क्या दशा हुई, और तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी क्या दशा हुई। जो समय के जगाए नाम का विरोधी वो कभी जी नहीं सकता। बहुत थोड़े दिन की जिंदगी, जो ऐसा कर रहा हो समझ लो मौत को बयान दे रहा हूं। तो आप इस सारे को समझ लीजिए, इसमें कुछ लोग आए कुछ यहां भी आते, यहां भी सेवा हम लोग दिखाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी हम सेवा नहीं करते, सेवा चाहिए भिखारियों को। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं सरसा का बेटा हूं। मेरे गुरु ने मुझे कभी भिखारी बताया ही नहीं, नाम दान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो। जो महात्मा जीवात्मा को जगा लेता है उसके कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने राष्ट्र और धन दौलत को निछावर करते थे। कई ऐसा भिखारी है और तुम इनके चक्कर में मिल सकते। तो ये इतिहास भूल गए जब हर बार का, इसलिए हम तो ऐलान करते हैं इस स्वाधीन भारत से मेरा कोई संबंध नहीं, न था न है न आगे रहेगा। ये सब नास्तिक न भगवान को मानने वाले, न धर्म को मानने वाले, न सुमरण ज्ञान प्रार्थना को मानने वाले, ये सब एकदम नास्तिक है, बिल्कुल निशाचर कह दो तो कम नहीं होगा। अगर निशाचर कह दो तो इनके लिए कम नहीं होगा। इसलिए ऐसे आप सावधान रहिए, एक नया पैसा किसी को कभी मत देना, और दोगे तो कार्य तुम बनोगे। अभी तुम समझते नहीं हो, इनकी सब की अभी तलाशी हुई। जितना स्वाधीन भारत में जो फाइल मिली जिन पर सबके नाम अंकित है, पुलिस उनकी बराबर तलाश कर रही है। इसलिए ये तुम्हारे मिशन में छिपना चाहते, इस भीड़ में छिपकर
और तुम्हारे बर्बाद कर दिए, क्योंकि इन्होंने तो सर्वत बिगाड़ दिया, लोग पर लोग सभी गड़ गया, भौतिक ऐतिहासिक सभी गड़ गया, इनके पास कुछ नहीं और भीख मांगने के सिवा इनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं। इसमें आप सचेत रहिए, अगर कोई तरह की कोई कार्रवाई करता मेरे आए फौरन पकड़ ले आओ, मैं तुरंत पुलिस के हवाले कर दूंगा। इनकी तो तलाशी हो रही कि उठाकर बंद कर दिए जाएंगे, जैसे तमाम बंद जेलों में चल रहे। जेल के गेट पर लिखा है नो मिलाई नो रिहाई, न कभी इनकी छुट्टी न कोई मिला। उग्रवादी सबसे बड़ा दोषी माना जाता, राष्ट्रद्रोही उसे कहते, धर्मद्रोही कहते, संत महापुरुषों का द्रोही होता, भगवान का भी द्रोही होता, अरे वो कहाँ रह सके। इसलिए आप इशारे को समझ लीजिए कि आप कुछ लोग आए हैं और मीटिंग में लोगों में सब देख रहे, मैं अंदर नहीं हूँ, सब देखता हूँ। सिर्फ आपसे कहता नहीं था कि शायद अब ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, लेकिन तुम इस मिशन में अगर कोई व्यापार करने आ गया तो इतनी मार पड़ेगी कि तुम गरीब हटाने का भी नहीं ले जाओ। देख लो कितना बड़ा जनसंख्या, ये तो अभी कुछ जिले प्रांतों का है, किसी पूरे हिन्दुस्तान का नवीकरण में देखा आपने 10 किलोमीटर तक आदमी आदमी था। क्या इस तरह की भीड़ कोई राजनीतिक नेता पार्टी निस्वार्थ जंगल में लगा सकती है? क्या कोई धार्मिक संसद जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर, क्या बिना चंदा और बिना सेवा के और बिना पैसा लिए इस तरह जंगल में कोई भीड़ लगा सकता है? ये सब तुम्हारे सामने करके दिखाया जाता। मैं भाषण पीठ प्रचार नहीं करता हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ उसकी भूमिका आपको बताऊ। ये मेरी योजना है, ये मेरी भूमिका है, देश में सच्चे समाज का निर्माण हो, सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों की कदर हो, उन और उनके सहयोग से ही धर्म की स्थापना होगी और मानव का इंसानियत प्रेम का मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आकार हर मानव के दिल दिमाग में आएगी, हर मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान हो जाएगी। अरे यही तो मानवता, यही इंसानियत, यही मानव है, यही मानव कर्म है, जिसे आप अभी तक समझी नहीं पाए हो। तो देखिए आए हो, आप सबका सम्मान में करता हूँ, आप भंडारे में विश्वास पाइए और आप सशस्त्र, ये तो आपको कहीं को मिलेगा नहीं। लेकिन वही बात है, जहाँ कथा होती है कि नृत्य लागे लड़की या सोवे या बातें करे गलती, इनकी समझ में नहीं समझा और न ये तुम्हारे में मिलने आए हैं, ये तुम्हारे में होकर तुम्हें लूटने आए हैं, तुम्हें ठगने आए हैं, तुम्हारी कमाई का ये सब दुरुपयोग करने आए। इनसे पूछो जो सेवा है और कौन सा धार्मिक काम करने जा रहे, समाज राज्य के हित में कौन सा काम करने जा रहे। जो तुमने किया है तुम्हारा तो इतिहास सबके सामने जवाब भाव था, जो किया वैसा सजा फल पाए हो और सब नष्ट नामो एकदम प्रतियोगी में सब चले गए बेचारे, मार काट दिए गए और पेट्रोल डाल के जला के रख कर दिए, जो इधर उधर भग गए बाद में पुलिस ने पकड़ा उनको जेल में बंद कर दिया, किसी की जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं होगी उग्रवाद की। ये ध्यान में रखिए, मैं आपको तीसरी बार समझाऊंगा, ये अंतिम चेतावनी राजकुमारनी है, इसके बाद मैं कोई सक्रिय कदम उठा दूंगा, फिर तुम देश में कहीं ले जाओगे इतनी पिटाई करवाऊंगा कि जीवन मर्यादा को, राक्षसों को, निशाचरों को, अधर्मियों को इधर आने की जरूरत नहीं है। तुम अपना समान लगाओ और खून लुटो, बोलो हमसे हुए मतलब इनके बाद तो आदमी भी कहीं तो आदमी के साथ, क्योंकि जो साफ गए तभी तरह मारे गए और जड़ भूख के इलाज कर दिए गए और जो बच गए वो जेलों में चल रहे, इनके बाद आएगा तो तभी तुम्हारे इसमें घुसने का प्रयास करते। और तुम लोग जो इनकी चोरी चोरी मदद करते मुझे सब मत, मैं एक दो बार मौका देखा इसके बाद तुमको इस मिशन में टिकने नहीं दूंगा, ऐसे क्या पड़ोसों की जरूरत नहीं।
हमको तो एक विभीषण एक हनुमान मिल जाएगा, लंका का काम हो जाएगा, हमको ये जमात लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जमात पे उनकी करामात का पता चलता है, जब ये जमात आती है उनकी करामात उनके कार्यक्रमों का पता चल जाता तो आप ये सब ध्यान में रखिए। आज की तिथि, आज की शुभ घड़ी, ये मांगलिक अवसर एक कभी कभी किसी किसी को देता है, जिस पर सदगुरु दया मिलते हैं, जहाँ पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी भूषे काल की जा। मोदी सीधी बात समझ लीजिए आप, बाकी सब काल के जान में भूसे रह जाएंगे। अगर सदगुरु से दया पानी हो तो समय से सत्य मार्ग पर आपके खड़े हो, धीरे धीरे चलना शुरू कर, तुम्हारी सारी मानव जीवन की क्रियाएं जब सत्य में हो जाएंगी तब ये परेशानी मुसीबत दुख तकलीफ बीमारी महामारी देवी रुको दुर्घटना सब चली जाएंगी। ये दवा जाकर मैं रकीबों से बीमारी नहीं चलती, पहले आप विचार कीजिए। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था आगे इतना खराब समय आ रहा है, अगर राम की धर्म भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि पर से ये गंदा खान पान मुर्दा मांस का भोजन और बुद्धि नशे नशा शराब जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती है, अगर ये धार्मिक धरा से ये गंदा खान पान अगर बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार कर रखी है कि मिनट नहीं लगेगा मनुष्य से हो जाएगा, डॉक्टर को पता भी नहीं लगेगा। बाबा जी ने कहा भी था बड़ी बड़ी बीमारियां होगी, एक ही दवा सौ में न मिले और तुम्हारा सारा विज्ञान एक ही रोगी हो पर केंद्रित हो जाएगा। अगर रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ा होगा इधर उधर निगाह बचा के तुम खा लो, इतनी कमी इसलिए अन्न का दुरुपयोग मत करो, अन्नदाता का सहारे और अन्न तुम्हारे प्राण है और तुम्हारे प्राण है प्राथकार की मुट्ठी, क्योंकि रोटी का कोई कारखाना नहीं बन, रोटी के कारखाने प्राथकार के थे, अगर ये अपने कारखाने बंद कर दे तो ये दुनिया रहे। कलयुग में अन्न में अन्न को तुम्हें प्राण है, बिना अन्न के कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो आप बात क्यों नहीं सुनोगे। इसीलिए बाबा जी ने 10-11-12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच में भूमि ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी और आखिर जी ने कहा बच्चा अगर तुम है भूमि ज्योतो अगर तुम अपने इस भूमि ज्योतक झंडे को पकड़ो तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि ज्योतक झंडे के नीचे अगर न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहो। प्रेमियों कितनी बड़ी आवाज, कितनी बड़ी सत्ता, कितने बड़े चैलेंज और वादा जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया, क्योंकि नबी से नबे फिर भी कास्कार नुकसान और कास्कारों के लिए कोई व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं की। मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा, एक छोटा सा दुकानदार जो चार बेचता गरीब गरीब वो भी बड़ी वस्तु की कीमत खुद खोलता, कितने रुपए में लोगे लोग नहीं चलता, सब अपनी बड़ी कीमत खोलते हैं, लेकिन कास्कार कभी कह सकता कि मेरा गेहूं मेरा चावल मेरा गहना मेरा बच्चा वाली अनाज इस इतने रुपए में निकल जाइए। जब इसको भाव खोलने का अधिकार नहीं है तो इन कास्कारों को कोई सुख शांति नहीं पहुंचा, जब तक इससे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति
फैक्ट्री मिल वाले जो नेताओं को चिलों में पैसा देते, जब ये दिए जाते हैं तो इन मिल वाली फैक्ट्रियों के पास इनकी चिट्ठी जाती है कि आप ये बताओ तुम्हारा कपड़ा कितनी लागत में पर मीटर तैयार हुआ, तुम्हारा ये सामान कितनी लागत में तैयार हुआ, सबसे पूछा। लेकिन काश्तकार जो सरकार बनाती है, इस काश्तकार को अपनी कीमत किसी भी वस्तु पे खोलने की कोई अधिकार नहीं है। अनाज धान गन्ना चावल ये पैदा करता है, लेकिन कीमत प्राइस खोलती है कौन? सरकार। और राज्य सरकार भाव निर्धारण करती है। देखिए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम कुछ नहीं। और सबके साथ हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी भाई हुए, जब इन नेताओं ने कानून बना दिया कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकते, तो ये समझ कर उसको रिटायर कर दिया जाता। सपोज एक अध्यापक जब 60 साल में सारे सब्जेक्ट उसको कंठाग्र हो जाते, किताब की जरूरत नहीं, तब कहते आयोग समझ कर उसको रिटायर कर दिया जाता है कि अब इसकी बुद्धि 50 वर्षों को नियंत्रण में नहीं रह सकती। प्रेमियों जैसे एक अध्यापक 60 साल में 50 वर्षों बच्चों को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रह सकता है, तो गौरव की आबादी वाले देश को ये 70-80 और 65 और 60 वाले ये नेता कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको कानून पर बराबर ध्यान देना चाहिए। कानून उस सबके लिए होता है। अब एक तंत्र राजतंत्र नहीं है, अब है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब राजा प्रजा एक समान, जो कानून बनेगा चाहे राजा हो प्रजा हो सब पर समान रूप से लागू होगा। मैंने कहा कि अगर 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर किया जा रहा आयोग समझकर, तो 60 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो विधान सांसद कोई हो, अभी भारतीय कानून के अनुसार इन सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तब तो प्रजातंत्र का पालन हो रहा है, भारतीय कानून का पालन हो रहा नहीं। प्रेमी प्रजातंत्र नहीं है, एक तंत्र है, लोकतंत्र है, और ये जब तक रहेगा तब तक आपको सुख शांति किसी को भी नहीं मिल सकती। आप कितनी मेहनत करो, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बिजली जहाँ मजदूरी में, लेकिन आपका मैं जानता हूँ आपका पूरा नहीं करता, क्योंकि तनख्वाह महीने में होती और खर्चा रोज का, महंगाई रोज की और तनख्वाह महीने में मिलेगी। मैं बताऊँ आप उस तनख्वाह से कैसे विचार कीजिए आप, और मैं जानता हूँ आपको पूरा नहीं करता। जब पूरा नहीं पड़ेगा तो आदमी कुछ न कुछ तो पेट के लिए करता, झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, छिलकबट धोखा देगा, इसको ठगे इसको लूटेगा वो, क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो सारी तनख्वाह उसकी बड़े अधिकारी लेंगे। वो महीने में कहते इतना लेंगे, कहीं से लाओ तो बेचारे काम चलाएगा। बदलाने के लिए लेने के लिए भारत की जनता है, किसी को मारा भी कहा जाता, किसी को चेक लगाए जाते, किसी पर महंगाई लगाई जाती, और ये सब उसूल उसूल करके सब अपनी अपनी बैंक भर रहे हैं। भारत की जनता रो रही है, इनको नहीं मालूम है कि भगवान का कानून बना है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखे सबको बता दिया कि जा सुराज और प्रिय प्रजा दुखारी और आपकी रामचरित मानस कह रही है कि इसके राज्य में अगर प्रजा दुखी है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीओ हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का सत्र अध्यक्ष हो, गांव का प्रधान हो, चाहे घर का मालिक मुखिया, एक ही कानून सब पर लगा हुआ जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, अगर वो मुसीबत आपत्ति संघर्ष में परेशानियों में रहेंगे तो ये सर्व राजा
सीधे नट जाएगा, वो जिम्मेदार व्यक्ति नट जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा? तो कहते मैं राम का पुजारी और ये रामचरित्र मैंने सुनी था, मुनि ने यानी चरित्र और तुम उसी पर उनके चरित्र यानी दाग लगा रहे हो और कलंक लगा रहे हो और उनके नाम पर ये नोट बोर्ड चलना वसूल करे तो भारी सजा का कारण बन जाएगा, ये तो बहुत बड़ी सजा का कारण बन जाएगा। मैं बराबर प्रार्थना करता रहता, मान जाओ भाई, जो लोग नहीं माने उनका इतिहास पढ़ लो, उनकी क्या दशा हुई, आप इससे मुसीबत में क्यों फंसने जा रहे हो, ये मानव संघ बार बार रहेगा नहीं, एक बार परमात्मा ने आपको अवसर का मौका करके दे दिया कि जाओ अपनी बात इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जो मेरी मूर्ति है, परमात्मा ने कहा ये मेरी मूर्ति, तुम इसे मानो मनुष्य मंदिर में कोई गंदा खान पान मत करना, क्योंकि मेरी चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, उस मूर्ति के आगे जो भी आप अच्छा बुरा करोगे खाओगे मतलब यानी वो सब नोट करती, और जब वो मनुष्य शरीर से उसका निकलने का समय आ जाएगा और फरिश्ते जमदूत इसको इस शरीर से निकालकर धर्मराज के दरबार में खड़ा कर देंगे, फिर धर्मराज पूछेगा अरे भाई तुम्हें कोई अच्छी सच्ची रास्ता बताने वाले, अच्छे कर्म सिखाने वाले, अच्छा मानव खान पान बताने वाले, अच्छी संघ सोहत में रहने वाले कोई संत महात्मा वकील नहीं मिले, आप क्या जवाब दो? ये सब जानकारी आप रखनी चाहिए, प्रेमियों इसकी सत्य की जानकारी का नाम है सत्य संत। अभी कई लोग सत्संगी नहीं सोचता, ये सब गाना बजाना, ये सब मनोरंजन और कथा वार्ता और भाषण स्पीच और प्रचार समझते हैं, जबकि सत्य संग सत्य माने ईश्वर और संघ माने साक्षात्कार, ये जीवात्मा सूरत रूप को कौन परमात्मा से मिलाएगा, साक्षात्कार दर्शन दीदार कराएगा, उस कराने वाली युक्ति का नाम है संघ सत्संग और कराने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, ये दोनों की दया तो समझ से मिली और आपने कोई कदर नहीं, न उनकी युक्ति की कदर और न उनकी कदर आपने किया, इसलिए आज का पूरा समय प्रेमियों के दर्शन करने में चला गया। मैंने कहा मैं भी हर प्रेमी का दर्शन कर, तो मैं 11:30 बजे बैठ गया सोचिया और यह 8:30 बजे तक चला, एक आसन पर 7-8 घंटे बैठा तो फिर आपसे सत्संग में वादा था तुरंत के ना, मैंने अभी कुछ नहीं लिया सोच कुछ नहीं, आप भी सोचते हो कि अभी नहीं, मैंने कोई बात नहीं किया, क्यों आज की तिथि अन्न खाने की थी, भरपेट भोजन ऐसो आराम की नहीं थी, ये तो घड़ी देर समाज की कुर्बानी बनी है और उस कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए मैंने जन जागरण अभियान पूरे हिंदुस्तान में चला दिया और सबके घरों तक एकदम सच्चाई की बात पहुंचा और उसके बदले किसी से कुछ नहीं किया, एक नया मौसम, जब मैं नहीं एक नया मौसम रहता हूँ तो तुम दूसरों को देख के अपने काम बनाओगे, वहां के काम बन जाएगा तुम्हारा, इतना गहरा जगह लगा देंगे कि भोगते भोगते तुम भी नरकों में सड़ जाओगे, तुम्हें मालूम नहीं है ये धर्म लगाया कहाँ जाता और लगाने वाला कैसा होता है, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है और तुमने जितना उनको दिया है अभी उसी का खमेजा भोगो, उससे आए परिवार में कोई माफी नहीं मिली, मैं तो इसके बारे में कुछ माफी अभी के का मुझे अधिकार ही नहीं है, मैं कह दूंगा मुझे तो बताने का सुनाने का समझाने का जगाने का सत्य रास्ते पर खड़ा करने का अधिकार है, उसका मैं प्रयोग करता हूँ, चलता हूँ आपको चलाता, मैं करता हूँ आपको आपको करना सिखाता, मैं उसके बाद ध्यान दिया तो आज पूरा समुद्र निकल गया
वो बड़ा जरूरी था, प्रेमियोगी भी बहुत जरूरी था, सत्संग तो भी दो दिन बड़े कल परसों होता है। अरे कल परसों में कवर कर दूंगा भाई, पूरा कर दूंगा। लेकिन आज ये थी अभी रात की सुबह में कम आ रही है, धीरे धीरे आएगी। ये है कुर्बान, जो कुर्बान होता है उसका इतिहास होता है, उसी की चर्चा होती है, उसी की पूजा होती है और उसी को लोग नतमस्तक होते हैं। बाकी शरीर तो सभी पाए हुए, दुनिया में तो दो अरब की आबादी देखी, लगो इनके यहाँ इनको जनगणना भी नहीं मालूम, जनगणना भी इनको नहीं मालूम। जब ये नहीं मालूम है घर के माली मुखिया को मेरे परिवार में कितने लोग रहते, तो इनको सुख शांति दे पाएगा, इनको भोजन कपड़े आवाज की कोई व्यवस्था कर पाएगा? दो अरब की आबादी है और ये करोड़ों में बताते, जब इनको ये नहीं मालूम मेरे देश में कितने लोग रहते हैं, उन लोगों की भोजन और रहने की और काम की व्यवस्था, इसीलिए किसी को नौकरी नहीं मिल रही और सारे नौजवान पढ़े लिखे सबको मर बेकार। अगर इनके पास सही गणना होती कि मेरे यहाँ इतने विद्यार्थी अध्यापन के निकले, तुमको पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए तब आपको डिग्री देनी चाहिए। यह प्रसाद की तरह जो डिग्री बात नया हो इसका खमियाजा तुम्हें को भोगना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी किस देश का नौजवान अगर बेरोजगार रहेगा वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। क्यों? काम करने की एक उम्र होती और इनकी उम्र ये सड़कों पर घूमने में जाता। अब माँ बाप का फर्क था कि उन्होंने पैसा खर्च किया, अपने खाए नहीं, कपड़े नहीं पहने, अच्छे मकान में नहीं रहे कि बाल बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, आगे सोच से ठीक हो जाएंगे। अब जब बेचारे सारा पैसा उन्होंने पढ़ाई में खर्च कर, अब पढ़ लिख कर बेकार घूमरा, अब पढ़ा लिखा व्यक्ति मजदूरी तो कर नहीं सकता, उसे शर्म लगेगी, वो छोटा काम नहीं कर सकता और बड़े काम के लिए पैसा नहीं, पैसा सारा इसकी पढ़ाई और डिग्री दिलाने में खर्च कर दिया। तो माँ बाप का फर्ज है पैसा खर्च करना, बच्चे का फर्ज है विद्या अध्ययन करना और सफलता प्राप्त करना और नौकरी और काम, ये सरकार की व्यवस्था, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम अभी अपना मानवाधिकार तो नहीं मानो कि हम सब मानव का अधिकार क्या है, हमारा कौन सा अधिकार है, हमको मानवाधिकार मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। चलो खड़े हो जाओ आप लोग, प्रभु इस सारे को बना रहे हैं, एकदम संपूर्ण बना लो इसको कि हम सबको देश का कोई भी नागरिक, कर्मचारी अधिकारी वो भी नागरिक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो भी नागरिक, मैं सब जन की बात करता हूँ, व्यक्ति की बात करूँ, हर नागरिक का उत्तरदायित्व है, अपना कर्म कर्तव्य है, अपना मानव धर्म है कि अब हम सच्चे समाज के निर्माण को निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत कामना बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत। अब ये बचने का समय नहीं है, जब मैं नहीं बैठा 6 वर्ष होने लगा था, आपको भी नहीं बैठ सकते, समाज के लिए कुर्बान हो जाओ, सच्चे समाज के निर्माण के लिए अरे अपने विचारों की कुर्बानी दो, गंदे खान पान की कुर्बानी दो, गंदे कर्मों की और गंदी संसोहत की कुर्बानी दीजिए। अब यह सही है जो आपके सामने एक शक्ति ने आवाज लगाई थी,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दू, लेकिन आज तुम मुझे सहयोग करो मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। वो बात वही है, तुम सहयोग करो मैं व्यवस्था दूंगा। और आपको चाहिए, अरे मेरी समाज की और परिवार की और देश की और दुनिया की सारी व्यवस्थाएं अगर ठीक हो जाए तो कभी किसी फिर और भी परेशानी रह जाएगी। आप आती नहीं क्यों होते, एक ही आना दूसरा नहीं है। और जिस शक्ति के बारे में ये सब भ्रम प्रचार करते हैं, नेता सुरक्षण को किसी ने भी देखा, ये जो प्रचार करते हैं स्वाधीन भारत बारे में किसी ने देखा नहीं, और उनके उनकी इस चीज को किसी ने कानों से सुना, यह सब बोलते। जब तुमने देखा नहीं सुना नहीं, जो कह रहे थे झूठ है, तुम्हारा देखा सुना कुछ नहीं। मैंने अभी कहा जो शक्तियां आई हैं उनसे काम लिया जाएगा, और वो तुम्हारे बस की बात नहीं कि अपना स्वास्थ्य रोजगार का आधार बना के तुम प्रचार करने लगे, तो वही तुम्हारी बरमान बढ़ेगी, क्योंकि तुम सिद्ध कर सकते नहीं हो, तुम काम कर सकते नहीं हो, क्योंकि ये सब काम जितनी शक्तियां भारत भूमि पर आई ये सब गुरुओं के आदेश से बंद करते। भगवान राम लक्ष्मण को कोई नहीं पहचान, उनके पिता माँ बाप कोई नहीं पहचान देते, पहचान किसको की, गुरु विश्वामित्र को, और गए और राम लक्ष्मण को मान के ले आए और उनको आश्रम में रख सारी नीतियां सिखाई, युद्ध नीति धर्म नीति सब मतलब सत्य नीति प्रेम नीति सब सिखाई और सिखाकर उनसे वो काम करवा दिया जो कोई इंसान जनकपुरी में कर पाया, अजीगो भंजन का, और काम करा के उनका क्या सुना दिया, लोग उनको भगवान कहने लगे। अरे गुरु क्या भगवान बनाए जाए, नाम तो रामचंद्र था, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन भगवान का खिताब गुरु विश्वामित्र ने डिग्री दी उनको। जब जनकपुरी में बड़े बड़े राजा और सब धनीमानी और जितने धनमान धनमान बुद्धिमान और सब आ गए और धनुष को कोई उठा नहीं पाए, लेकिन विश्वामित्र ने अपने चेहरे में क्या शक्ति भरती क्या ताकत देती उनको, और उसे समय को काम करवा दिया जो कोई नहीं कर पाया, और उसी से उनको भगवान को प्रेमी और गुरु के यहाँ भगवान बना दिया। तुम्हें नहीं मालूम है नेताजी किस काम के लिए आए, भगत सिंह किस काम के लिए आए, आजाद किस काम के लिए आया, जितने भी आए हैं किस काम के लिए आए, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। इसलिए तुमको किसी भी शक्ति का अपना स्वार्थ रोजगार का मुद्दा नहीं बनाना, और बनाओगे तुम्हारे दो पहले भी तुमने बनाया और कितनी मार पड़ी, अगर आप भी करोगे फिर मारे जाओगे, वो काम बिना संत महापुरुषों के न उनकी जानकारी किसी को है, वो शक्तियाँ किस लोग से आई है और किस काम के लिए आई है और कौन सा काम करके जाएगी, ये आपको कुछ नहीं पाएगी। इंद्र चुपचाप हमने कहा तुम चुपचाप भजन में निकला, तुम किसी तरह जाओगे तुम्हारा काम इसी से बन जाएगा, और तुम इधर उधर की बातों में फंस जाओगे, लोग लड़क में तुम मारे जाओ। सीधी बात मैं कहता हूँ, नहीं मानोगे बाद में किसी को सुनने वाला नहीं कोई बात, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे इसलिए गुजर मिशन दूसरा मिशन कोई इसमें शामिल नहीं होगा, और ही बम्बलेट बचा और अगर बगल झंडा फंडा या कुछ नहीं करेगा, कोई सेवा वसूली या नहीं करेगा, मैं भी हमसे ज्यादा भ्रम हो गया। अभी मैं प्रेम प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ समझा रहा हूँ, ये सब जयपुर जो मिशन को बदनाम करना चाहिए, ये तो बदनाम हो गए मारे गए चला दिए गए राज कर दिए गए बाकी बच गए जेल में बंद हो गए, अब ये थोड़े बहुत बच्चे हैं, ये तो घर है न इनके पास मकान है न ऐसी खेती कुछ भी नहीं जरिया नहीं है, अब ये रोटी खाने के लिए तुम्हारा बदनाम हो जाए, और तुम ये समझते नहीं, मैं हर जगह इशारा करता हूँ आपके लिए, और नहीं मानोगे मैं कोई शक्ति कदम उठाऊंगा, मेरे बात बहुत करी गई, तुम्हें मत समझो हमको आपसे पूछने की जरूरत, आपसे कोई सलाह लेने की भी जरूरत, मेरे पास सारी भूमिका सारी व्यवस्था है,
मैं तो अभी उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया, कोई झड़प भी नहीं दी है, क्योंकि अभी तुम उस काबिल नहीं हो। धीरे 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 तब तुमको उस काबिल बना दिया जाएगा, तो व्यवस्था आपको सौंपी जाएगी, वो तो व्यवस्था तुम्हारे लिए ही बनी। कहा था पहले भी बाबा जी ने इशारा किया कि मेरे पास परिवर्तन की सारी भूमिका सारा मसाला मैंने तैयार कर रखा है, लेकिन बच्चा जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा उसी दिन इसका तुमको सोचूंगा। और काबिल अच्छा बच्चा कैसे चलता इंसान हो? अरे विद्यार्थी इंसान बन गई, अपना डिवीजन नहीं बता सकता, डिवीजन योग्यता कौन बताएगी? इसलिए जब छोटी सी परीक्षा ली गई, पैतालीस करोड़ तेरह में भी नहीं एक ही नहीं निकला। कहा था किसके सिर पर तेरा वन परिवर्तन का, अभी तो कोई काबिल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है धीरे 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 ये काम हो रहा है, सुधार हो जाएगा, नहीं मानेंगे अलग हो जाएंगे। मैंने कितनी बार इशारा किया, पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हें धक्का मार के तुम्हारी इसको मेहनत खत्म, फिर तुम प्रदर्शित करोगे, रहोगे ऐसे भी रहो, इसलिए रहो। मैं मना नहीं करता, लेकिन सतर्कता के साथ, बहुत होशियारी के साथ, यहां तुम्हारा कोई मदद नहीं, जिसको बना लोगे वो तुम्हें लूट लेगा, तो तुम सोच नहीं पाओ। बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ कोई जुड़ने वाला ही नहीं, अरे तो स्वार्थी जमाना ही है। जब परमार्थी जगह पर चलोगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है और 24 घंटे साथ, वो कभी साथ छोड़ता नहीं। लेकिन जब तुम्ही गुरु को छोड़ दोगे उनके वचनों को, तो मुसीबत में भर जा गया। तो बाबा जी ने क्या कहा, जैसे राम दो ले लेता हूं मैं उसी दिन से साथ उस समय तुम्हारा साथ छोड़ता हूं जब तुम्हारा कोई बहुत भोगने का समय आ जाता है। अगर नहीं हटूंगा तो भोग लू, और भोगों का कर्जा फरमाना रहेगा, इसलिए भोगों के कर्जे के लिए पैरे के लिए मैं उतनी देर छोड़ता हूं, बाकी 24 घंटे से नामदान का छोटा मोटा नहीं है। नामदान की महिमा छोटी होती नहीं और देने वाले की महिमा भी छोटी होती नहीं, लेकिन तुम बातें नहीं समझते कभी। इतना इशारा इतने संकेत किए जा रहे, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और 6 वर्ष ये इशारा करते करते निकल गए हो और तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। अभी इशारा की होशियारी कर गई, ये तुम्हारी आप चलेगी नहीं, सीधी बात समझ लीजिए। मैं एक मिनट में मदद कर बदलूंगा, मैं आपका बदल दूंगा, व्यवस्था बदल दूंगा और तुम्हारी भूमिका समझ लूंगा। इसलिए आप तुम बनाने की कोशिश मत करो, अपने को बनने और सुधरने की कोशिश करो, जिसके लिए आप इस मिशन में भर्ती हुए हो, इसका बराबर ध्यान रखिए। शांति मिल जाए और इसी के लिए तुम रात दिन एकदम मन से बातें करते हो तो नहीं मिले, लेकिन क्या मिलेगी, कैसे मिलने वाली नहीं है। हमेशा मां बच्चों के बच्चों को जो रहस्यमयी है, उनका किस तरह का रहस्य सारा है, क्या तेरे के पास में पास पास में पास तब संतों की बात में बात तेरे केले में सबसे कुछ उसमें जैसे कुछ नहीं होते। इस तरह संतों की हर बात
तुम्हारा लाभ छुपा हुआ है, अब उस लाभ तक पहुंच नहीं पा रहे हो, इसलिए हमारी दुर्गत झूठ लग रही। अगर जहां तक की बात कही जा रही उस लक्ष्य समय पर पहुंच जाए तो सच और सर तुम्हारे हित में, और आपको ये कहना पड़े ये समय की देरी कुछ नहीं, तुम सुधर जाओ तो कम हो जाएगा, उन्हें तो ऐसे ही मार खाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, मिशन में रहोगे फिर भी परेशानी होगी। ये मिशन को परेशानियों को दूर करने का, आपत्ति वाले झगड़ों को दूर करने का, प्राकृतिक प्रकोपों को भी हटाने मिटाने का ये संकल्प वादा करता, ये मिशन वादा करता है, लेकिन तू अभी कुछ भी कर, तुम अपनी मनमानी में लगे बोलो। ये आज सोचना छोड़ दीजिए, तुम्हारी बुद्धि का सोचना कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने प्रारंभ किया आपसे पूछ लिया कि तुम्हारे पहले सोचने से कुछ ना काम हो जाएगा, अगर हो जाता तो अभी तो कौन थे अपनी बुद्धि लगा देते हो जाता काम, इसलिए सब करना बंद कर दिए, जो बताया जाए उसको करने की कोशिश, उस पर चलने की कोशिश करो। यहाँ कोई भी आदेश और हुक्म इस तरह का नहीं होगा जिसमें आपको कोई नुकसान हो, तुम्हारा सब लाभ ही लाभ छुपा, लेकिन जब लाभ पाने के काबिल नहीं बन पाए तो फिर नुकसान तो ही होगा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
उसी का जन्म लेना चाहते थे। गोस्वामी महाराज ने कहा पुत्रवती युति जगस्वी और रघुपत भगत जिसका बेटा भगवान का भक्त है उस माँ को जन्म देना चाहते थे। नहीं गोस्वामी महाराज लिखते इससे तो लतर भगवान निर्माण हो गई इससे तो मंजर तो उसी का मनाया जाता है जो अपना जीवन जीवन के सारे दिन समाज देश की सेवा में लगा देता है लोगों को लाभ दिलाने में लगा देता है उसी का जन्म लेना सार्थक और उन्हीं का जन्म लेना बाकी कुछ बाकी तो मनाए जाते हैं वो तो एक जानकारी है कि मेरा बेटा इतने साल का हो यानी जिंदगी के इतने साल कम हो गए तुम मेरे बड़ा होगा और वो छोटा होगा वो जीवन के इतने दिन कम हो गए यानी छोटा हो रहा जिसको तुम करो बेटा मेरा बेटा बड़ा होगा जिस दिन पैदा हुआ उसी से घटना शुरू हो गई गर्भवास में ही 9 महीने का तो 9 महीने तो गर्भवास में ही खो दिए उसने और जैसे बाहर आया और रोज दिन खो रहा रोज ये जीवन के सारे दिन खराब हो रहे नष्ट हो रहे तो इसलिए याद दिलाई जाती है कि भाई अभी ये इतने साल का यानी इतने साल इसके जिंदगी के कम हो गए इतने कम हो गए इतने दिन जब दिन इसके लिए आप जब लोग दुनिया भर लेकिन महापुरुषों का इसलिए मनाया जाता है कि परमार्थ के कारण साधु दरअसल वो परमार्थ परमार्थ ये स्थिति आते और इसके अलावा उनका अपना कोई काम नहीं अपने साथ लोग लालच को कोई काम नहीं जो भी कदम उठाते हैं उसमें समाज का देश का हित भरा हुआ तो उनका तो जन्मोत्सव जन्मोत्सव वही काम नहीं जो सारे मानव समाज को एक नवी उत्सव नवी सुख शांति देने का उनके लिए होता है तो ये तो एक प्रथा चला भी लोग और जल से कुछ नहीं और बड़े हंसे खुशे उनको तो दुख होना चाहिए कि मेरे बेटे की उम्र 10 साल कम हो 15 साल कम हो 20 साल कम हो जिसको उम्र कम हो रही है जिस दिन कम हो रहा है दिन मर जाएगा तो आपको खुशी होती है दुख होना चाहिए कुछ नहीं जानते उसके बारे में केवल जन्मोत्सव में सुख होता है जो समाज देश के लिए किया जो भोगों से परे रहते उनका होता है और वो कभी कहते नहीं हमारे मन में उनका तो है तुम मनाओ ना मनाओ तभी उनका वो तो उन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक कर दिया देश समाज इतने लगा दिया है और जब तक सोच लेती लगाते रहते तुम उनका मनाओ चाहे ना मनाओ उनका तो ही हो लेकिन आपको सीख लेनी चाहिए मनाने का मतलब सीख लेनी चाहिए कि हम सबको अपने मानव जीवन का एक एक दिन अपनी खराब देने की पूरे कर्मों में पूरे खान पान में पूरी संसवत में तब तो मनाने का मतलब है इसलिए अब जो ये पहले लोग कुछ करना चाहते हैं जिनको मना नहीं किया गया है उम्र से उसको याद नहीं होता ये तो आपकी खुशी का है अच्छी बात है और मनाना चाहिए और मना करके तुमको भी मनाया नहीं बल्कि बनाना चाहिए जीवन इसी तरह से तब तो मनाने का मतलब आपका ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ये सब चिट्ठियां बड़े स्वभाव से मिलती हो और मिल जाए तो उसकी कदर और अपने को भी उसी तरह बनाने की कोशिश क्योंकि उनका तो कोई बच्चा नहीं बता अपना कोई जीवन भर ये बच्चा नहीं क्योंकि कोई अपना इतिहास बनाना नहीं अपनी पूजा करानी नहीं है अपना नाम बड़ी कोई कराना नहीं उनको तो वापिस आना ही नहीं है तो इतिहास मेरा वो क्या करेंगे अपना अपना इतिहास नहीं है संपूर्ण मानव हित का इतिहास बनाते सबका कल्याण हो सबको लाभ मिले
सर को सुख शांति मिले, सर प्रेम प्यार मोहब्बत में मिलजुल के परिवार समाज देश में रहे, काम कर ये होता है। अब ये है कुछ कुछ किताबें महापुरुषों की उन्होंने लिख दिया, इशारा कर दिया, अब इशारे को कोई नहीं सुन पा रहा। एक संत श्रद्धा श्रद्धावली आपने पढ़ी होगी, संत श्रद्धा बली उसको आप फिर देखिए, उसमें एक इशारा दिया है, यह शक्ति इटावा में जन्मी और जाय कान को धन, इतना इशारा उसने दिया, इतना इशारा दिया उसे महापुरुषों ने। अब यू कहाँ का है क्या कैसा हो तो वही जाने के वही समझेंगे, लेकिन लोगों को जानकारी देने के लिए कि मैं कोई श्रद्धा सल भूल भ्रम बता दू, वो शक्ति कहीं जाकर और किसी रूप में और काम करना प्रारंभ कर देगी और लोगों को भरक भी नहीं देगी, कुछ नहीं समझ पाएगी। लेकिन काम से बैठा क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता, कहीं आप चले जाइए इस तरह का संदेश, इस तरह का अनुशासन कहीं नहीं, इस तरह का सेवा भाव और प्रेम प्यार मोहब्बत कहीं आपको दिखाई नहीं देगा जो यहाँ पर है, तो इसे आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। जय गुरुदेव, देखो मैं आप लोगों के बैठा रहा हूँ और यहाँ भी बैठा हूँ, अब मैं सुमन अपना करता हूँ आपसे कि हमको हम तक ये सत्संग नहीं करना है, और मैंने कुछ नहीं लिया आज कुछ नहीं, क्योंकि आज का दिन कुछ और ही है, ये भोजन खाने पीने का नहीं है, लोगों के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करने का, इसलिए हम थोड़ा सा शरीर है कुछ इसको थोड़ा सा चाहिए, एक आध रोटी लेते हैं वो ज्यादा खाने पाता हूँ, ज्यादा नहीं ले पाता हूँ, ज्यादा लूंगा तो नहीं खाएंगे या नहीं होगा, ज्यादा खाऊंगा शरीर मोटा आवाज नहीं निकलेगी, ये सब चिट्ठा मीठा ये सब खींचे उठला मीठा मीठा ये सब मेरा कुछ नहीं है, ये भोजन ही मेरा नहीं। अब ये प्रेमियों की खुशी के लिए उन्होंने बोला, देखो ये हिंदुस्तान का पहला ट्रक इस तरह की भावता और सेवा भाव में कहीं देखने को नहीं मिला, जो इस मोदी ने मेरे परिवार इससे उन्हें कई बार अपना परिचय दिया है, जब कानपुर में रामनवमी का कार्यक्रम था तभी इनके भंडारे में अनोखा का भाव ही दिखाया था, बुलाने और आज तो इन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड खड़ा कितने क्विंटल लड्डू और मुझे कोई क्विंटल नहीं भैया घर रहता कौन है, 5 क्विंटल तो 16 रात्रों में बढ़ गया और आज तो 8 घंटे में कितना बड़ा हिसाब लगा नहीं दिया, इसका मतलब कितना जनमानस आया, कितनी भीड़ है जो यात्रा में आनी है, और इन प्रेमियों ने अध्यात्म की सच्ची कमाई करी है, इन्होंने अपनी सेवा कर लिया, ये कितने हजार लोग और सबको ये गाड़ी कमाई काय प्रसाद बनाकर खिला दिया है, और ये बैठ कर सब भजन करेंगे, क्या इनको भजन करना पड़ेगा, यही तरीका है, क्योंकि कलयुग में देने को सत्यनाम कभी कहते कि देने को अन्नदान लेने को सत्यनाम तरने को दीनता डूबने को अभिमान, ये 400 का सबसे बड़ी अन्य की सेवा जो आज इस प्रेमियों ने रिकॉर्ड टूट किया, अभी इस तरह का सेवा भाव किसी ने भी देखा नहीं गया, जिनके चेहरे पर कोई गमी नहीं है, इतनी खुशी है कि कितना लग जाए और कितना खर्च हो जाए, यही एक अवसर अवसर है हमको अपनी गाड़ी कमाई खर्च करने का, नहीं आप कहाँ खर्च करोगे, किसको खिलाओगे, जिसके खिलाने से तुम्हारा फरमान हो जाएगा, ये तो अच्छी सोच इनकी हुई और खुद खड़ा है, और अभी ये करें अभी आखिरी दिन ग्रामवासियों को निमंत्रण भेजा जाएगा, कुंवारी कन्याओं को महाप्रसाद बरकत दी जाएगी, तो उनके भी प्रसाद चाहिए, अभी तो इनका एक
अनवरत है, ये अनवरत एक यज्ञ है, महामानव यज्ञ। इसको पहले समझिए आप तो तुम्हारी स्वर्ग धीरे धीरे और इस तरह से सब प्रेमियों को सीख लेनी चाहिए। इन्होंने कार्यक्रम का ये नमूना पेश किया और उससे वैसे ही उत्सव सबका तुम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं कि निर्भर कर, ये भी तो मुझे सोचना चाहिए। आज के कार्यक्रम की मंजूरी किसी को नहीं, चाहे मंच वाला हो चाहे फोन वाला छोटे वाला, क्या तुम जन्मदिन मनाने आए हो कि कमा नहीं आए? तुम्हारा मना नहीं का मतलब क्या होगा? तुम मना ही काम ले लो। इसमें तो आपको अपना आर्थिक शारीरिक और बौद्धिक सब परिश्रम करना चाहिए ताकि यह सब तरह का कल्याण न हो जाए और पाप से निर्मल भूमित हो जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें हर जगह निर्भर नहीं सोचना चाहिए, यह किसी निर्भर की नहीं है। जब तुम किसी उत्सव को मनाने आए हो तो मनाने में तो अपना खर्च किया गया, किसी का थोड़ी खर्च करोगे, तुम्हारा क्या मन, तुम्हारा उसको कहां माना जाए? इन बातों को ध्यान में रखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी अपना उत्सव मनाएंगे और सब लोग शामिल हो उसमें, इतना अच्छा। हम अभी कुछ और कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? आप करियो क्या जो तुम्हारी व्यवस्था हो, मैं उसको मना तो नहीं करता, उसको आप करिए। आधा घंटे का समय इनको भी दिया था, इसे आप कह लो उसके बाद। अरे उसको मनाने के लिए रात पड़ी है, रात पड़ी हुई है, लोग तो सोचे हो तो पूरी। गुरु रब